पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ से जुड़े सफाई कर्मचारी नेताओं में दो फाड़ हो गए हैं। एक गुट की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर ओमीलाल वाल्मीकि को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया, वहीं सुनील लश्करी की अगुवाई में संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में प्रेस वार्ता कर ओमीलाल के प्रदेश अध्यक्ष न होने का दावा किया। बुधवार को उनके द्वारा घोषित कार्यकारिणी को भी अवैध बताया। इसके बाद से सफाई कर्मचारी नेताओं के दो गुट खुलकर आमने सामने आ गए हैं। मैं स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष मुरादाबाद हूं और आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ की बुलाई गई है। बुलाने का कारण जो मेन मुद्दा है वो ये है कि संगठन में काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, जिसके कारण दो गुट बन गए थे, जिसमें से एक गुट ने अपनी निजी स्वार्थों के कारण प्रदेश अध्यक्ष जी को दरकिनार करते हुए नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया, माननीय श्री ओमीलाल वाल्मीकि जी को। हमारा कहना ये है कि प्रदेश अध्यक्ष चुना जाए, कोई भी चुना जाए, संगठन में जो सक्रिय कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, लेकिन वो विधिवत चुना जाए, ना कि कोई अवैध तरीके से या जबरदस्ती किसी को ऊपर कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी संगठन होता है उसके कुछ नियम कायदे होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत अगर प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता तो शायद हमें कोई आपत्ति नहीं होती। हमारी आपत्ति ये है कि नियमों के विरुद्ध प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है, ना तो संगठन का अधिवेशन बुलाया गया और ना ही कार्यकारिणी की कोई बैठक बुलाई गई। इसमें सबसे बड़ा जो दुख का विषय है वो हमारे महामंत्री हैं बिल्लू चौहान उर्फ संजय कुमार, रजिस्ट्रेशन में उनका नाम संजय कुमार है और वो सारी कार्रवाई बिल्लू चौहान के नाम से करते हैं, और कई बार वो प्रदेश अध्यक्ष जी के फर्जी हस्ताक्षर कर देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस चीज़ पर उनका निलंबन 15/8/2023 को कर दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है ये इसकी छाया प्रति जो है संलग्न है, ये देख लें आप लोग कि ये छाया प्रति है इसकी, ये उनका निलंबन है। प्रदेश कार्यकारिणी हमारी ये है जिसमें उनका स्पष्ट नाम संजय कुमार लिखा हुआ हैगा। प्रदेश कार्यकारिणी के कोई भी सदस्य की बैठक हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो लोग, वो संगठन के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें वो कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें कोई, जब उनको वो खुद निलंबित हैं तो या तो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं ना वो, और ना ही वो जिले और महानगर का गठन कर सकते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम कोई शिकायत राष्ट्रीय क्या चाहते हैं? हमारी हमने अब प्रदेश अध्यक्ष जी से शिकायत कर दी है और जल्द ही इस पे कोई ठोस रणनीति बनाकर प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं को, संगठन के पदाधिकारियों को बुलाकर ये चीज़ उनके सामने रखी जाएगी और इसके निस्तारण के लिए प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक। और आपको भी कहा गया है कि आप उनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं। देखिए, उनके कहने स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का कोई मामला उन पर है नहीं। एक तो वो स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के किसी भी पद पर विराजमान नहीं है। वो पहले जिला अध्यक्ष थे हमारे सुनील लश्करी जी, आज वो जिला अध्यक्ष नहीं है, आज हमारे जिला अध्यक्ष नीरज पारासर है। इससे पहले भाई प्रेम बाबू थे हमारे, प्रेम बाबू वाल्मीकि हमारे महामंत्री थे प्रदेश के, आज वो भी इस पद पर विराजमान नहीं है। भाई मुरारीलाल सेठन और हमारे महामंत्री हमारे प्रदीप चौहान गाजियाबाद, महामंत्री हमारे बोल रहे बिल्लू चौहान अलीगढ़, और महामंत्री हमारे अमरोहा से दिलीप भाई, तो ये हमारे कई हैं। आज ना प्रेम बाबू इस संगठन के कोई पदाधिकारी हैं और ना ही हमारे सुनील लश्करी इस संगठन के पदाधिकारी हैं।
और वो जिस संगठन की बात कर रहे हैं वो उनका संगठन का कौन प्रदेश अध्यक्ष है ये मुझे मालूम नहीं। मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि हमारे सबसे पहले संगठन के अध्यक्ष थे हमारे मानिक लाल नागर, और वो उनके ही कहने के अनुसार वो चले गए। अब वो उनके साथ हैं, वो जाएं, हमारे साथ तो हमने बिल्कुल ही उनको नहीं रखा है और ना ही हम उनको रखना चाहते हैं। अब वो किसी संगठन के अंदर है, वो अपना काम करें उस संगठन के अंदर जा कर के, लेकिन स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ ना तो प्रेम बाबू जी का कोई वास्ता है, ये मैं खुद स्वयं आज अध्यक्ष होने के नाते इसकी घोषणा करता हूँ, और ना ही सुनील लश्करी का कोई इस वास्ता है आज जी। वो संगठन अलग बन गया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।